पेज नंबर 50 50 ग्यारहवां अध्ययन बहु श्रुत पूजा। श्रुत ज्ञान का एक रूप है और बहु का मतलब होता है बहुत सारा। इस अध्ययन में बहुश्रुत को बहुत सारे उपमाओं से उपमित किया गया है। आप उच्छे सुनम में जैसे भगवान महावीर के लिए बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं कि वो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की तरह हैं, ग्रहों के बीच में सूर्य की तरह हैं, पक्षियों में गरुड़ की भांति हैं तो नदियों में गंगा की तरह हैं, हाथियों में ऐरावत की तरह हैं तो पर्वतों में सुदर्शन मेरु पर्वत की तरह हैं। तो जैसे भगवान महावीर के लिए वो उपमाएं दी गई हैं, उसी तरीके से इस अध्ययन में बहुश्रुत के लिए बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं और उन उपमाओं से ये पता चलता है कि बहुश्रुत की कितनी अर्हता होती है, कितनी योग्यता होती है और कितना वो पूजनीय होता है। एक चीज याद रखिएगा कि श्रुत का मिलना हो सकता है कि आसान हो, परंतु श्रुत को संभालना वो कठिन होता है। आप जो पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि उसको आप वैसे ही संभाल कर भी रखते हैं। कुछ दिन जब तक ये श्रुत आराधना के दिवस है तब तक आप उत्तराध्ययन हाथ में लोगे, फिर साल भर के लिए भूल जाओगे कि भैया कोई उत्तराध्ययन सूत्र भी है हमारा, है या नहीं है। होता यही है, ज़्यादातर यही होता है कि कुछ दिनों के लिए चलो ठीक है, साधु लोग आए हैं उनकी प्रेरणा होती है और उनकी प्रेरणा भी लगती कितने लोगों को है ये भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुश्रुत का मतलब होता है जिसने ज्ञान को केवल और केवल सुना नहीं है। श्रुत का मतलब जो ज्ञान सुनने से होता है, तो केवल सुना नहीं है बल्कि उस सुने हुए को जस का तस उन्होंने क्या कर लिया, धारण भी किया है, तो वही बहुश्रुत है। और बहुश्रुत होने के लिए पहले बहुत सारी योग्यताएं बतलाई हैं। सबसे पहली योग्यता है कि भैया व्यक्ति क्या हो, विनम्र हो। जिसमें विनम्रता है उसी में ज्ञान टिकता है, जिसमें विनम्रता नहीं है उसमें ज्ञान ना आता है फिर तो टिकेगा कहाँ से। तो ना उसमें ज्ञान आता है ना उसमें टिकता है। तो पहली जो योग्यता है बहुश्रुत बनने की, ज्ञानी बनने की, वह है कि व्यक्ति क्या हो, विनम्र हो। दूसरा है चंचल न हो। चंचल का मतलब कि भैया एक जगह अगर बैठा रहे तो उसमें इतना धैर्य, इतना स्थैर्य होना चाहिए कि वो थोड़ी देर तक के लिए क्या रखे है, टिका रहे। तो चंचलता चाहे मानसिक हो चाहे वो वाचिक हो, कई लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना, उनके बस पास में अगर कोई आ जाए तो बस उनका ये टेप रिकॉर्डर क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो उनके लिए बोलने की ये वाचिक चंचलता है। कई लोगों को शारीरिक चंचलता होती है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, अगर आधा पौना घंटा हो गया तो उन्हें लगता है कि भैया पता नहीं कितने सारे युग बीत गए। तो चंचलता चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की हो, एक ज्ञान का जो पिपासु है, ज्ञान की तरफ जो बढ़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो तीनों योगों की चंचलता को क्या करे, कम करे, कम से कम करता हुआ चला जाए। तीसरा एक और बताया कि भैया अगर ज्ञान चाहिए तो ये जो स्वाद लोलुपता है, ये भोजन के प्रति जो लालसा है, इसे क्या करना होगा, कम करना होगा। कि जो खाऊं 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 में ही लगा रहे, जिसके मन में सतत भोजन की ही लालसा जगी रहे, तो ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान की आराधना नहीं कर सकता। एक और कहा कि मित्रों के साथ झगड़ा ना करें। क्या कहा, मित्रों के साथ, कि जो साथ में रहने वाले साथी हैं उनके साथ मनमुटाव ना करें। उनके साथ अगर बनाकर नहीं चलेगा तो स्वाध्याय में विघ्न आएगा और बनाकर चलेगा तो स्वाध्याय में सहयोग मिलेगा। तो इसलिए कहा कि मित्रता का होना जरूरी है। गुण तो और भी बहुत सारे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो स्वयं इस अध्ययन को पढ़िए और आप जानिए कि ज्ञानी होने के कितने कारण हैं और अज्ञानी में जाने के या अज्ञानी होने के कितने कारण हैं। उन कारणों से जो ज्ञानी होने के कारण हैं उनकी तरफ बढ़िए और अज्ञानी होने के जो भी लक्षण हैं उन लक्षणों का त्याग कीजिए। अब हम पहले गीत लेंगे और उसके बाद मूल पाठ।
गुरुवर की आज्ञा में रहे और हो विनय की पालना। पूज्य बहुश्रुतता है होती चरण श्रुति की साधना। अज्ञान का तम नष्ट करके तप से उनका शोभना। मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। संयोगों से मुक्त हुआ जो बनता है अनगारी। बहुश्रुत का आचार कहूँ जो होता है हितकारी। उनका रूप समझ करके अब उनको शीश झुका लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। विनय धर्म को नहीं पालता विद्याहीन आहारी। वश में नहीं इंद्रियां जिसके दंभ भरा है भारी। अर्थहीन जो बातें करता ऐ बहुश्रुत कहा लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी अभिमानी। आलस रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता ज्ञानी। बाधक कारण पांच को टालो फिर तुम ज्ञान बढ़ा लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन। शांत दांत हो हास्य करे ना सत्य में हो अनुरक्ति। प्रकट करे नहीं मर्म किसी का रस में नहीं आ सकते। दूषण रहित चरित पालन कर बहुश्रुतता प्रगटा लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना। आखिरी दसवां सूत्र।
जिन शासन में चंद्र सूर्य सम बहुश्रुत शोभा पाते, सत्र है उपमा देकर आगम उनकी महिमा गाते, सत्य मार्ग का पोषक श्रुते है पढ़ लो और पढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब हम मूल पाठ लेंगे। नमो थुणम समणस भगवो महावीरस संजोगा विपमुखस अनगरस विकुनो आयारं पाहो करे स्वामी अनुकूविं सोनहन जेया विहोय निविजे थदे दुदे अनिगय अभिखाणं पुल्यवाई अभिणिय अभुसुवे अह पंचे हिम्ठाने जेहिं सिखाण लभाई थंबा कोहा पमाई नम रोगेन अह अठ हिंठाणे सिखा से नित्य वचाय अह सिर सया दंते नय मम मुदा हरे नासीलेन विसीलेन सिया आये लोलुए अपोहाणे सच्चराय सिखा से नित्य वचाय अह चौद सहिंठाणे वट्टमाणे ओ संजय अविणीय उच्चय सो निर्वाणम चरण गच्छय अविखाणम कोहि हवय पबंदम च पकुवाय मेतिज्यमाणो वमय सोयम लद्धुण मज्जय अविपाव परिखेवि अविमित्ते सुकुपय सुप्ति यत्सा विमित्तसरय भासय पावय पैन्नवाय दुहिले थत दुधे अणि असम विभागे अजियते अवीणीयते उच्चय अह पन्नर संयम ठाणे सुवीणीयते उच्चय निया वित्ति अचवले अमाई अकुहले अपम च अहिख्य वै पबंदम चण कुवै मिति जमाणे भयाय सुयम लद्धुम नय पाव परिखे विनय मित्ते सुकुपै अप्रिय सावे मित्त सरहे कल्लाण भासाई कलह डमर वज्ये बुद्धे अभिजाई हिरे मम पड़ी सन्नीने सुवीणीयते उच्चै वसे गुरु कुले नित्यं जोगव मूढ़ नवम पियं करे पियं वाई से सिखम लद्धु मरि जह संखमि पयम निहयम दुहावो विविरायै एवं बहु सुए विकुजम कित्ति सहा जह से कंबो याण माई ने कंधय सिया आसी जवीण पवर एवं हवई जायन समरुढे सूरे दड्ढ पर कमे उभाव नंदी भूषेणम एवं हवई जह करेणु परिकिन्ने कुंजरे सठी हायाणे भलवंते अपडिहाय एवं हवै जह से तख सिंगे जाय हंदे विराय वसहे जुहाहि वै एवं हवै जह से तिख दाड़े उदग दुप हंस सिंह मियाण पवरे एवं हवै जह से वासुदेवे संघ चक गदाधर अपड़ी हय बल जोहे एवं हवै जहां से चाउरंदे चक्कवट्टी महिढ़िये चौदह सरयण हिवै एवं हवै जहां से सह सखे वज्ज पाणी पुरंदरे सखे देवाहि हवै एवं हवै जहां से तिमिर विध्वंसे उच्चठंते दिवाय रे जलंते वते
चंदेन एवं हवै बहु जहासे उडुवै चंदे नखत परिवारे पड़े पुण्य पुण्यमासी एवं हवै जहासे समायणम कोठागारे सुरखिए नाना धन्य पड़े पुण्य एवं हवै जहासे दुमान पवरा जंबू नाम सुदर्शन अनाडियस्य देवस्य एवं हवै जहासनैन पवरा सलीला सारंगम सिया नीलवंत पवहा एवं हवै बहुसुए जहासे नगाण पवरे सोमाहं बंदरे गिरे नाणो सै पज्जलि एवं हवै जहासे सयंभु रमणे उदय अख उदय नारायण पड़े पुण्य एवं हवै समुद्र गंभीर समादुरासया अचक्या किरणय दोपहंसया सुयस्य पुन्ना विवनस्तायणो हवेत्तुकम्मं गयमोत्तमं गया तम्मा सोयं बैठे जा उत्तम गए सै जिन पाण परम चेव सिद्धि संपावन जैसी बारवा अध्ययन हरिकेशीय हरिकेशीय अर्थात हरिकेश बल महामुनि का इस अध्ययन में वर्णन है, उनके उपदेश का संग्रह इस अध्ययन में किया गया है। प्राचीन काल में जो मथुरा है उसमें एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण देवता के घर के सामने से एक सड़क जाती थी जो गर्मियों में गर्म तवे की तरह तप जाते थे, तो लोग उस सड़क पे उस रास्ते पर गर्मियों में नहीं चला करते थे। सुबह शाम चलते होंगे, परंतु अगर दोपहर का समय है तो कोई भूलकर भी उस रास्ते पर नहीं जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तपती थी और ऐसे तपती थी कि जैसे पता नहीं इसके नीचे किसी ने भट्टी जला दी हो। तो एक दिन एक महाराज उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने कहीं जाना होगा और वो रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा था। तो ब्राह्मण देवता अपने घर के बाहर खड़े थे किसी कार्यवश, तो मुनि जी ने उनसे पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता मुझे उस जगह जाना है, तो वहाँ का अगर आपको रास्ता पता हो तो मुझे बता दो। तो पता है ब्राह्मण देवता के मन में एकदम से पता नहीं क्या ऐसी गलत भावना आई, उन्होंने सोचा ये मुनि है ना, इसको मैं इस गर्म रास्ते पर क्या कर देता हूँ, इस पर भेज देता हूँ। तो उसने कहा करे ठीक है मुनि जी, ये सीधा रास्ता है, ये जा रहा है, आप इस पर पहुँच जाओ। दो तीन उसने जो भी मोड़ वगैरह बताने थे बताए और कहा आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो जो मुनि जी थे वो अपनी सहज चर्या से उस रास्ते पर चलने लगे। अब अगर कोई भूल से भी उस रास्ते पर जाता था तो होता ये था कि वो थोड़ी देर में ही तिल मिलाने लगता था, क्योंकि गर्म ही इतनी होती थी रोड। मुनि जी एक तो उनके नंगे पाँव, ऊपर से भरी गर्मी, और वो फिर भी क्या कर रहे हैं, सहजता से उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये पहले तो ब्राह्मण ने इंतजार किया कि अब उछला अब उछला, अब इसे पीड़ा होगी अब पीड़ा होगी, पर मुनि जी तो सहजता से आगे बढ़ते चले गए। ब्राह्मण ने देखा कि ये हो क्या रहा है, मुझे तो लगा था कि भैया ये तिल मिलाएगा, थोड़ा सा हायतोबा मचाएगा और मैं थोड़ा आनंद लूंगा, थोड़ा मजे लूंगा, यहाँ तो उल्टा हो गया, ये तो बिल्कुल आराम से चले जा रहा है, जैसे कि रोड कुछ भी ना हो, ये तो बिल्कुल आराम से चल रहा है। तो उसने सोचा देखूं कहीं सड़क की जो तासीर है कहीं वो बदल तो नहीं गई। वो गया, उसने पहले तो छू कर देखा, उसने देखा कि रोड तो बिल्कुल ठंडी है, बल्कि और जगह गर्म है और ये क्या है, ये रोड ठंडी हो गई। वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो सड़क है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी। उसे लग गया कि हो ना हो ये मुनि के ही प्रताप से, मुनि के चमत्कार से, उनकी लब्धि से अपने आप ही ये सड़क क्या हो गई, ठंडी हो गई। इसके नीचे जो वो भट्टी की तरह जो ये तपा करती थी, इसकी तपन मिट गई और सड़क क्या हो गई, ठंडी हो गई। वो बड़ा प्रभावित हुआ और भागता हुआ मुनि के पास गया और बोला कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुनि जी ने कहा क्यों, क्या बात हो गई ब्राह्मण देवता? करे बस
कुछ नहीं, बस ये सड़क बहुत गर्म हुआ करती थी, परंतु आपकी तपस्या के तेज से आज ये सड़क भी क्या हो गई, ये सड़क भी ठंडी हो गई। तो इसलिए मैं बड़ा, मुझे अपने किए हुए पर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना क्या कर दो, शिष्य बना दो। तो मुनि जी ने कहा ठीक है, और इस तरीके से वो ब्राह्मण देवता साधु बन जाते हैं। साधु बन गए, परंतु मन में उनके ना एक बात रह गई कि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हूँ, इसलिए मैं और साधुओं से मेरा कुल क्या है, ऊंचा है। तो वो साथ में तो रहते थे, परंतु अपने ब्राह्मण होने का जो गर्व था, वो जो भीतर में ब्राह्मण होने की गांठ थी, वो न खोल पाए। हमेशा एक ही बात कहा करते, या उनके मन में ये बात रहा करती, मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऊंचे खानदान का हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मेरा वंश ऊंचा है। ऐसा वो उन साधुओं के बीच में रहते हुए भी अपने मन में ये बात पाला करते थे। और आखिरकार साधना तो उन्होंने बहुत की, तपस्या भी उन्होंने बहुत की, ज्ञान की आराधना भी बहुत की, परंतु अपने ब्राह्मण होने का अहंकार का त्याग नहीं किया, और त्याग भी नहीं किया। आखिर समय में संलेखना संथारा भी कर लिया, परंतु अपने इस अहंकार का प्रायश्चित नहीं किया। इसके लिए भूल, इस भूल की उन्होंने माफी नहीं मांगी, और इसी से उनका क्या हो गया, प्राणांत भी हो गया। कहते हैं कि अगला जो जन्म था, उस अहंकार की वजह से उन्हें स्वपाक कुल में उनका जन्म हुआ। स्वपाक कुल, स्व कहते हैं कुत्ते को, और पाक कहते हैं पकाने वाले को। तो ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ जहां कुत्ते का भी मांस खाया जाता था। अब ऐसे निकृष्ट कुल में देखो किस वजह से उनका वहां जन्म हुआ, आप ये देखो, क्योंकि उन्होंने अपने किस चीज का अहंकार किया था, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कुल क्या है, मेरा कुल ऊंचा है। तो जिस चीज का अहंकार किया था, प्रकृति ने अब दूसरा जन्म बिल्कुल ही क्या कर दिया, उल्टा दे दिया। जहां पहले इतने ऊंचा कुल मिला था, अब वहां क्योंकि गर्व किया था, अहंकार किया था, इसलिए पूरी तरीके से प्रकृति ने पूरा खेल ही क्या कर दिया, बदल डाला। जहां पहले इतना सुंदर, इतना भव्य शरीर मिला था, अब वहां प्रकृति ने सारा का सारा उल्टा खेल चल दिया। जहां जिस जिस चीज का उन्होंने गर्व किया था, वो सारी की सारी चीजें उनको प्रतिकूल रूप में मिल गई। शरीर मिला बिल्कुल कुरूप, कुल मिला ऐसा कुल जहां आप जानते हैं कि भैया स्वपाक कुल में, चांडाल कुल में उनका जन्म हुआ है। अब ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद बचपन से ही उनकी जो आदत, चिढ़ने वाली, छोटी छोटी बातों पर रोने वाली, माँ बाप थोड़ा सा भी अगर भूख लग जाती तो बस ऐसे हल्ला मचा देते, माँ बाप दुखी, परिवार वाले दुखी, आस पड़ोस वाले दुखी, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होता चला गया वैसे उसके साथ खेलने वाले बच्चे दुखी, क्योंकि किसी के साथ भी झगड़ा कर देता। बचपन से इतना झगड़ालू प्रवृत्ति का था कि किसी से भी उसकी बनती नहीं थी, जैसे तैसे करके उसका क्या चल रहा था, जीवन चल रहा था। जब ये हरिकेश लगभग 12-13 साल का रहा होगा, तो एक दिन कोई उत्सव का दिन था, सारे लोग उत्सव मनाने में लगे हुए थे, बड़े अपने तरीके से उत्सव मना रहे थे, तो उसकी हम उम्र जो बच्चे थे वो खेल कूद में लगे हुए थे। तो उन बच्चों के पास गया और बोला मुझे भी खेलना है। तो सबने कहा करे हरिकेश निकल ले, नहीं तो आज पिटेगा, हम सारे तुझे पीट देंगे, चल निकल ले, हमारे साथ नहीं खेलना। तो कहा करे भैया मैं लड़ाई नहीं करूंगा। करे नहीं नहीं, तू चाहे कुछ भी बोल, पर हमें तुझे तेरे साथ नहीं खेलना, ना तेरे साथ खेलना है ना तुझे खिलाना है, तू यहां से निकल ले। और उस बेचारे को क्या कर दिया, वहां से निकाल दिया, और निकाल के वो बेचारा जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और बैठने के बाद वो गालियां दे रहा है, मन ही मन कुड़ रहा है, सोच रहा है कि मैं बस मिलने दे, जब ये अकेले में मिलेंगे मुझे, तब मैं इनको बताऊंगा कि मुझे ना खिलाने का क्या होता है। एक एक को पकड़ पकड़ कर मारूंगा, एक एक को पकड़ पकड़ के सीख दूंगा कि मुझे ना खिलाने का फल क्या है। ऐसा करके सोच रहे थे, इतने में क्या हुआ, बच्चों ने हल्ला मचाया, सांप आया, सांप सांप सांप, सारे बच्चे एकदम से भिदक गए और जोर जोर से चिल्लाए। तो बड़े भागे भागे आए और बड़ों ने कहा क्या हुआ, करे सांप है, सांप देखा, और सचमुच में सांप था। बड़ों ने लिया लठ और फटाफट उसको क्या कर दिया, सांप को बेचारे को मार दिया, क्योंकि वो जहरीला सांप था। तो लोगों ने उस सांप को मार दिया और मार के उसे जहां फेंकना था फेंक दिया। बच्चे फिर खेलने में मशगूल हो गए। इतने में थोड़ी देर में बच्चों ने फिर से हल्ला मचा दिया, अरे सांप आया, सांप आया, सांप सांप सांप। बड़े फिर से आए, क्या बात हो गई, आज तो सांप ही सांप निकले जा रहे। तो जैसे आए बड़ों ने देखा, अरे इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो दुमो ही है, इसमें तो जहर भी नहीं होता और ये काटती भी
काटती भी नहीं है। लोगों ने उसे वैसे ही पकड़ा और जाकर उसे आराम से किसी झाड़ी में छोड़ दिया। ये जो घटना थी, दो घटनाएं, पहले जहरीली सांप को मारना और फिर दुमोही को आराम से प्रेम से पकड़ के उसे झाड़ी में छोड़ देना, ये किसने देखा? वो हरिकेश ने। उसके मन में विचार आया कि अरे देखो तो सही, वो पहले सांप आया वो जहरीला था तो लोगों ने उसे क्या कर दिया, मार दिया। ये दुमोही आई, इसके पास जहर नहीं है, बिल्कुल सरल है, तो इसे किसी ने मारा नहीं बल्कि प्रेम से उठा के कोई इसे हानि ना पहुंचा दे इसलिए उसे बचाने के लिए कहां कर दिया, उसे झाड़ी में छोड़ दिया। तो इस घटना से उनके मन में एक विचार आया कि अरे हरिकेश, अगर ये बच्चे तुझे साथ में खिला नहीं रहे हैं तो कोई तो वजह है, और वजह क्या है कि तू इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। अगर तुझे कोई प्रेम नहीं करता, अगर तेरे साथ कोई स्नेह नहीं रखता, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि तू भी किसी के साथ प्रेम भाव से नहीं रहता। जब देख किसी के साथ झगड़ा करता रहता है, किसी के साथ मान और तुम्हारा कलह कलेश चलता ही रहता है, तेरी अपने माँ बाप तक से नहीं बनती तो तेरे पड़ोसियों से और बच्चों से क्या बनेगी। तो थोड़ी देर खेलता है और खेल में भी इतने उठपटांग काम कर देता है कि दूसरों को बेचारों को क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अपना ही तो व्यवहार है कि किसी का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि वो सबका प्रिय बन जाता है और किसी का व्यवहार इतना बुरा होता है कि वो सबका अप्रिय बन जाता है। तो हरिकेश ने मन में विचार किया कि ओहो, कहते हैं कि वहां पर बैठे बैठे अपने प्रति इतनी ग्लानी का भाव हुआ, कहते हैं कि उनके मन उन्हें बैठे बैठे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म का बोध हुआ और अपने उस अहंकार का पता चला कि कहां मैं वहां और उस कुल का अहंकार करने की वजह से कहां मैं यहां आ गया। तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या कर ली, किसी महाराज के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर तपस्या आरंभ करने के बाद एक बार वो वाराणसी में आए और वाराणसी का जो एक उद्यान था, उस उद्यान में वो एक वृक्ष था, तिंदुक कोई पेड़ होता है, हिंदी में उसका नाम नहीं पता, पर तिंदुक एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे वो जाके वहां ध्यान में लीन हो गए। अब महीनों महीनों की वो तपस्या किया करते थे, मास मास खमण के लंबी लंबी तपस्या किया करते थे, तो उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे रहते थे, उस पेड़ पर एक यक्ष था। वो यक्ष ने मुनि को देखा तो वो मुनि को देखकर उनका भगत बन गए, बड़ा खुश हो गया कि देखो ये साधु इतने महान, और वो खुद भी भगत नहीं बना बल्कि उसने अपने जो और भी मित्र थे उनको भी क्या किया, वो उनके पास लाता और कहा कि आओ और दर्शन करो, ऐसे साधु बार बार नहीं मिला करते। तो इस तरीके से वो अपने मित्रों को भी दर्शन करवाने के लिए लाया करता था। उन्हीं दिनों की एक घटना है कि वाराणसी के जो राजा हैं उनकी पुत्री का नाम था भद्रा, राजकुमारी भद्रा। तो भद्रा अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में खेलने के लिए आई थी। तो उद्यान में खेलने के आने के बाद उन्होंने एक खेल खेला। उस खेल में क्या था कि सारी लड़कियों को आंख पर पट्टियां बांधनी थी और आंख पर पट्टी बांधकर बगीचे में चीजें पकड़नी थी। तो जो जिसे पकड़ता, पट्टी खोलता, उसके बाद सारी लड़कियां आपस में कहती कि ये तुम्हारा क्या हो गया, पति हो गया। मान लो कि किसी ने पेड़ पकड़ा तो पेड़ उसका पति हो गया, किसी के हाथ में किसी भवन का खंभा आ गया तो खंभा उसका पति हो गया, मतलब जिसके हाथ में जो आया वही उसका क्या हो गया, पति हो गया। तो सारी लड़कियां खेल रही, इधर भद्रा ने भी आंखों पर पट्टी बांधी और वो भी चल पड़ी पति की खोज में, और वो घूमते घूमते कहां पहुंच गई, महाराज के पास, हरिकेश बल मुनि के पास पहुंच गई। जैसे मुनि के पास पहुंची और सीधे जाकर उसने तो कहा किसको पकड़ लिया, मुनि को। अब ये संयोग था, जैसे ही मुनि को पकड़ा और मुनि को पकड़ने के बाद आंखों से पट्टी खोली, सारी लड़कियों ने भी पट्टियां खोली, तो सबने देखा कि अरे भद्रा ने तो किसको पकड़ा है, उसने तो मुनि को पकड़ा है। और मुनि का आप जानते हैं कि वेशभूषा ही इतनी विभत्स कि पहली बार में तो कोई देखे तो भूत है, कोई ऐसा डर जाए। तो जैसे ही भद्रा ने देखा कि मैंने तो किसी मुनि को, किसी साधु को पकड़ लिया, और वो इतना कुरूप, देखने में इतना विभत्स, इतना भयंकर, इतना डरावना, वो एकदम से पीछे हटी और सारी लड़कियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे भद्रा का पति, भद्रा का पति कितना सुंदर है, भद्रा का पति तो कामदेव है, भद्रा का पति तो भैया सर्वांग सुंदर इंद्र देवता जैसा है, सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब भैया वो राजकुमारी कहां मजाक सहन करती, उसने थू करके मुनि के ऊपर थूक दिया कि थू, मैं इससे शादी करूंगी, ये मेरा पति होगा, मैं तेरे की पता नहीं किसका मुंह देखकर आई थी कि मुझे इसको पकड़ना पड़ गया। वो तो थूक कर चली गई,
परंतु उसका थूकना किसने देख लिया? यक्ष ने, जो मुनि जी का चेला था उस यक्ष ने देख लिया कि इस राजकुमारी ने महाराज के प्रति क्या कर दिया, थूक दिया। उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने राजकुमारी की बुरी हालात कर दी, हाथ पांव मोड़ दिए, गर्दन टेढ़ी कर दी, मुंह टेढ़ा कर दिया, खून की उल्टियां पर उल्टियां, राजकुमारी के हालात बुरी, राजकुमारी को वैद्यों से हकीमों से दिखा दिया पर कोई फर्क ना पड़ा, सारे मंत्रवादी तंत्रवादी फेल। आखिरकार यक्ष ने बोला कि अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो एक काम करो, इसने जिस मुनि का अपमान किया है ले जाकर इस लड़की को उसी साधु के साथ इसका क्या कर दो, विवाह कर दो, तभी इस लड़की को सही करूंगा, अगर तुमने इसका विवाह उसके साथ नहीं किया तो यह आजीवन ऐसे ही रहेगी और इसी तरीके से मर जाएगी। राजा करता क्या ना करता, महाराजा कौशलिक लिए अपनी लड़की को हाथी घोड़ा जो भी उन्होंने दहेज देना था दहेज के साथ पूरे तरीके से वहां उद्यान में पहुंच गए और मुनि जी से कहा कि मुनि जी ये हमारी लड़की बेचारी, वो यक्ष कहता है कि आप इससे क्या कर लो, विवाह कर लो। तो मुनि जी ने कहा करे भैया मैं तो साधु हूं, मैं तो विवाह नहीं कर सकता, पर हाँ मेरी तरफ से इसे क्या है, अभय दान है, अब वो यक्ष इसे कुछ नहीं कहेगा, ये स्वस्थ रहेगी। मुनि की तरफ से उसे अभय दान मिला, मुनि ने उससे विवाह किया नहीं, पर राजा को बड़ी चिंता हो गई क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से अपनी लड़की का विवाह किससे कर दिया था, इस साधु से कर दिया था, अब इसके साथ कौन विवाह करेगा। तो राजा का पुरोहित था, तो राजा के पुरोहित ने कहा कि जी ब्राह्मण भी तो साधु जैसे ही होते हैं, तो आप ऐसा कर लो कि किसी ब्राह्मण के साथ अपनी राजकुमारी का अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो राजा ने कहा कि पुरोहित जाए, कि आपने तो बहुत बढ़िया बात कही, देखो आप भी राजकुमारी की उम्र के हो और आप जैसा विद्वान आप जैसा ब्राह्मण मुझे कहाँ मिलेगा, तो ऐसा करते हैं मैं राजकुमारी का विवाह आपसे ही कर देता हूँ। और इस तरीके से भद्रा का विवाह किससे हो जाता है, पुरोहित से। अब इधर समय व्यतीत हुआ, जब मांस खमण का पारना का दिन था तो मुनि जी इधर पारने के लिए नगर में गए, और नगर में गए उधर वो देखो जिस पुरोहित के साथ भद्रा का विवाह हुआ उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। अब वहां यज्ञ स्थल पे भोजन है पानी सब रखा हुआ, मुनि जी चलते चलते कहां पहुंच गए, यज्ञ स्थल पे। अब भद्रा तो पहचानती है परंतु वहां कोई दूसरा मुनि को नहीं जानता। जैसे ही मुनि जी आए तो मुनि जी को देखते ही, क्योंकि भैया शरीर इतना कुरूप था, देखने में इतने भयंकर इतने खतरनाक थे कि सब ने बोला कि अरे पांशु पिशाच, अरे भूत तू यहाँ कहाँ से घुस गया, चल निकल यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पिशाच नहीं हूँ, मैं तो साधु हूँ और आहार के लिए आया हूँ, आहार दे दो और मैं क्या हो जाऊँगा, चला जाऊँगा। तो कहा करे तुम्हारे लिए यहाँ कोई भोजन नहीं है, करे निकलो यहाँ से। तो मुनि जी ने कहा करे ठीक है। तो जैसे वो मुड़ने लगे इतने में क्या हुआ, वो जो यक्ष था वो वहां आ गया और वहां आने के बाद मुनि के शरीर में घुस गया। अब उसने जैसे घुस गया तो वो जिरहबाजी करने लगा उनसे, वो ब्राह्मणों से, कि भैया साधुओं को तुम दान नहीं दोगे तो किसको दान दोगे, तुम सारे के सारे मूढ़, तुम वेदों का केवल और केवल भार ढो रहे हो, गधों की तुम्हारी हालत हो रखी है और तुम कहते हो कि तुम साधु को भिक्षा नहीं दोगे, तुम्हें साधुओं को भिक्षा जरूर देनी चाहिए। तो उन ब्राह्मणों को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अपने चेलों को जो चेले चपाटी ब्रह्मचारी थे कहा करे निकालो इसको, गर्दन पकड़ो इसको और निकालो इसे यहाँ से। तो दो चार आए, गर्दन पकड़ी, दो चार धौल जमाई और साधु ओ हरिकेश बल मुनि को क्या कर दिया, निकाले। इतने उसको तो वो यक्ष था उसे कहाँ सहन होने वाला था, उसे भयंकर गुस्सा आया, उसने सारे ब्रह्मचारियों की बुरी हालात कर दी। पहले जो भद्रा की हालात की थी अब उसने उन सारे ब्रह्मचारियों को क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा, किसी का हाथ मोड़ दिया, किसी का पैर मोड़ दिया, किसी की गर्दन मोड़ दी, किसी की कमर तोड़ दी, मतलब वहाँ बुरी हालात, जहाँ यज्ञ स्थल में पहले इतना सुंदर सुहावना माहौल बना हुआ था वहाँ अब पूरा का पूरा माहौल ही क्या हो गया, डरावना भयानक माहौल हो गया। सारे ब्राह्मणों को होश आया कि हमने कुछ, लगता है कि कुछ ज़्यादा गलत कर दिया, वो आए और क्षमा याचना करने लगे कि हमें माफ़ कर दो। तो भद्रा ने जैसे ही देखा कि क्या कोलाहल मचा हुआ यज्ञशाला में, वो आई और उसने जैसे ही मुनि को देखा वो एकदम से पहचान के कह रहे मैं तो इन्हीं की परित्यक्ता हूँ, इन्हीं के साथ मेरा विवाह होने वाला था, इन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया। उसने सबका परिचय करवाया कि ये तो महामुनि हरिकेश बल हैं, आपने इनका अपमान कैसे कर दिया। पर जब उनके समझाने पे वो महामुनि से क्षमा याचना करते हैं और वो यक्ष भी सबको वापस ठीक कर देता है, इसी का वर्णन ये सारा का सारा जो इनके जीवन की जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं में इसमें से जो मुख्य घटना है वो है मुनि का यज्ञशाला में जाना, ब्राह्मणों से उनकी बात होना, ब्राह्मणों द्वारा उनका अपमान किया जाना, फिर यक्ष का
उन सबको प्रताड़ित करना, उनको पीड़ित करना, उसके बाद उनका सबका माफी नामा और उसके बाद महामुनि का उपदेश, इसका संग्रह है इस अध्ययन में किया गया है। अब पहले हम इसका इसकी गीतिका लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो, शुद्धि अहम होती है मन की, रत्न त्रय में लीन हो। हरि केश बल सा यज्ञ कर लो, कर्म सब जल जाएंगे, यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे, यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व जन्म के जाति मत से निम्न जाति में आए, बोधि पाकर एक घटना से मुनि पथ को अपनाए, क्षमा त्याग की गाथा सुनकर धर्म का मर्म निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बदसूरत थे हरि केश बल बन गए आत्म ज्ञानी, सर्वोत्तम गुण के धारण की महिमा सबने जानी, साध्वाचार से शोभित मुनि को वंदन कर गुण गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, बीसवां आखिरी। जीवात्मा ही यज्ञ कुंड है, तप ही उसका गगन है, मन वच काया योग पात्र है, कर्म ईंधन है, तन का कंडा अरु संयम का शांति पाठ पढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अमूल पाठ। सोआग कुल संभव गुणतर धरो मुनि हरि एस बलो नामा शिव को जिन दियो, इरिएशन भाषाए उच्चार समी सुये जाओ, आयन निखेवे संजाओ सुसमा, मण गुत्तो वय गुत्तो काय गुत्तो
तो जिंदियो भिखठा बंबई जम्मी जन्नवाड़े उठी तंबासी उड़मे जत्तम तवेण परे सोसियम पंतो वाई उगण उह संती अनारी जाय माय पड़ी थदा हिंसगा अजिंदिया अबंबचारिणो बाला एमं वायण कैरे आगच्छय दित्त रूवे काले विकराले फोकणासे ओम चेलय पंसु पिसाय भुए शंकर दोषम परिहरिय कंठे कैरे तुमम इय अदंसणिज्जे काये वासाय हमागौ ओम चेलया पंसु पिसाय भूया गच्छ खलाहि कि हम कियो से जखो तहिं तिंदु यरुख वासी अनुकंप हो तत्समानिस पच्छाई तावनि अगम शरीरम निमाय वयनाय मुदा हरे समणो अहम संजो बंभयारे विरो धन पयन परे गहाओ पर पवित्र सौभिक काले अन्न से अठाई हमारिजय खजय भोजय अन्नम पवोयम भवयान जाना ही मे जायन जीवनुते से सावसे समलहोत वखडं भोयन माहणाणं मतट्ठियं सिद्धमिहेगप नौ वयं वीरि समन्न पाणं दाहं मतुजं किमिहं थियो थले सुबियाय भवन्ति कासगा तहेव निन्ने सुयास ए आय सदाय दलाह मध्यम आरा है पुण्यमिणम कुखितम खेताणि अमंगीणाणि लोय जहं पकिन्ना विरहंति पुन्ना जे माहणा जाय विजो ववेया ताय दुखे ताय सुपे ओहो यमाणो यवहो यजेसिम मोसं अदत्तम च परे गहं च ते माहणा जाय विजा विहोणा ताय दुखे ताय सुपावयाई तुभेत भो भार धरा गिराणम अठम न जाने हे जवे उच्चावयाई मुनिनो चरन्ते ताए तुखे ताए सुपे अज्जावयाणं पडितोल भासे पभाससे किन्नु सगासे अवि एयं विनस्सौ अन्नपाणं नयनं दाम तुमं नियंठा समीह मज्जं सुसम आयस गुत्ते गुत्तस जिन्दिस जय मेण दाहित्थ अहे सणिज्जौ कि मज्ज जन्नान लहित्थ के इत्थ खत्ता उजोयावा अज्जावयावा सखंडे एयं खुदंडेन फलेन हंता कंठं मिघेतोन जोनम अध्यावयानम वयनम सुनेता अध्यायम तथ बहु कुमारा दंडे हिं विते हिं कसे हिं चेव समागयातम इसिम तालयन्ति रन्नो तहिं कोसली यस्धुया भद्ध तेनामीन अनिंदी अंगी तंपासी असंजे हम ममानम कुद्धे कुमारे परिनि वे वे देवा भी ओगेन नि ओए एनम तिन्ना सुरन्ना मनसा नजाया नरिंद देविंद भी अंदि एनम जेना मिवंता इसिना से एसो एसो हुसो उगतव महप्पा जी इंदियो संजव बंभयारे जो मेतया नोच्छय दिज्जमाणिम प्योणा सयम कोसलिये नरन्ना महाजसो एस महानु भागो घोरवो घोर परोक्कमो ये मायेयम हीले अहिन लिज्जमा सव्यभेण ते निदहिज्जा एयाई तीसे वयणाई सोचा पति इवदाई सुभासी आयम शिष्य भी या वड़ी अठयाय जखा कुमारी विनिवारयंती ते घोर रुवाठी अंत लिखे असुरा तहिम तम जनतालयंती ते भिन्न देहे रोहिरम वमंति पासित तो बद्दा इणमा हुवज्जो गिरम नहे हिम खणह अयम दंते खाय जायते हिम पाहिम न हण जे भिक्कुम अवमन्नह
आसी विशो गतव महेशी घोरवो घोर पर कमोय अगणिम्ब पखंद पयंग सेनाजि भिक्खुयम दत्तकाले भवय शिशेन शेयम शरणम उवेह समागया सब जनेन तुब्बे जय इच्छह जीवियम वाधनम वा लोगंसि लोगंपि एसो कुवियो दहिज्जा अवहेडीय पिट्ठी सौत्तमंगे पसारिया बहु अकम्म चिठे निब्बेदरिच्छे रोहिरम वमंते उड्डम महेणिय गजी हणेते ते पासी अखंडीय कट्ठ भूये विमणो विसन्नो अहमाहणो सुयसिम पसाये सभारियाओ ईलम जनिंदम च खमा हवंते बाली मोडेम आय अयाण एहिम जमहेलया तस्य खमा हवंते मह पसाय इसिणो हवंते न हो मुनि कवो परा हवंते भुविम च इंडिम च अणागयम च मन पदोसो न मे अथ्य कोई जखा हुए या वड़ियम करिंती तम हुए निहया कुमारा अथम च धम्मम च वियाण माणा तुभम न कुप्पह भूय पन्ना तुभम च तुम पाए शरणम उवेमो समागया सब जनेन मे अच्छेमु ते महाभाग नैत्य किंचन अच्छेमु भुंजाहे सालिम कुरुम नाना वंजन संजोया एमम च मे अथि भूय पभूय पन्नम तम मुंजसु अम अनुग्रहट्ठा बाढ़ंती पत्परिच्छय पत्तपाण मासस्व पारणय महप्पा तहियम गंधोदय पुप्फवासम दिव्वा तहिम वसुहाराय वुट्ठा त्वया उदुंदुह सुरेहिम आगास्वे अहो दानम च गुट्टम सखम को दी सही तव विशेषो नदी सही जाय विशेष कोई सोवाग पोतम हरिष साहुम जस्से रिसा एडिस महाणो भागा किम महाणा जो समार भंता उदयन सोहिम बह्या विमग्गा रमग्गा बाहिरियम विसोहिम नयतम सुइठम सुकुशला वयंती कुसम च जुवम तणकट्ठमग्यम सयम च सायम च पायम उदयम भुसंता पाणायम भुयायम विहेडयंता भुजो विमंता पकरि हृदमायम एहम चरे भिक्कु वयम जयामो पायम कम्मायम पुणुल्लयाम अखायणे संजय जख पुय्या कहम सुदुट्ठ सुजट्ठम कुशला वयंती छ जीवकाय असमारभंता मोसम दत्तम च सेवमाणा परिगामित्योमाणमायम एयम परिन्नाय चरंति दंता सुसंवोडो पंचे संवरेहिम इजीवियमाणव कंकमाणा वोसठकावो चुईतत सुईचत्त देहा महाजयम जय दंड सिठम जे केते जोई के यते जोई ठाणे केते सुया किम तेत कार्य संगम एहा यते कैरा संति भिखो कैरेण हो मेण हो नासी जोयम तव जोय जीवो जोई ठाणम जोगा सुया शरणम कार्य संगम कम्यहा संजम जोग संति होमम होनामी सिणम पसत्तम केते हरे के यते संति तिथे कहीं सिणाओ या रयम जहासी आय खणो संजय ने संजय जख पुया इच्छामोणाओ भवो भव ओ सगाओ धम्मे हरे बंबे संति तिथे अनाविले अत्त प्रसन्न लिस्से जहिन सिन्नाव विमलो विशुद्धो सुसुयो वजहामि दोषम एयम सिणाणम कुशले हि दिट्ठम महासिणाणम एसिणम पसत्तम ज जहिन सिन्नाया विमला विशुद्धा महारिषि उत्तमम ठाणम पतित्ति देमी। आज की वाचना यहीं विराम पाती है। अब हम आलोचना पाठ पढ़ेंगे। श्री आगमे तिविहे पन्नते तंजह सुत्तागमे अथागमे तदोभयागमे एहवा श्री ज्ञान के विषय जो कोई अति चाला गहोति मियालो जम्वाइदम वच्चामीलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विनयहिणम जोघिणम घोषिणम सुत्थुदिन्नम दुट्ठो परिचिन्नम अकार्य को सज्जा कार्य न को सज्जा असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम जो मे दिवसी अभी आप लोग हमारे सुविज्ञ सुलझे हुए मुनि रत्न श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना का मीठी रसीली सुरीली आवाज में आप सभी और हम सभी आनंद ले रहे थे। उनके सत्पुरुषार्थ की हम सभी अनुमोदना करते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। महावीर की जिनवानी अंग संग रहे ये मंगल कामना करते हैं। धर्म न दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप
जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे। सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। तप बल से भी सत्य का बल है अपरंपार, हरिश्चंद्र के सत्य के सुनिए अब झनकार। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे, मर घट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ। धर्म मंच पर विराजमान मेरे सरल आत्मा भंते श्री पारस मुनि जी, मेरे उपाध्याय परवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी, इन दोनों गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करता हूँ। समस्त मेरे प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र कल आप लोग सुन रहे थे। जो डर था हरिश्चंद्र का कि महारानी तारा चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन अचानक आई हुई इस मुसीबत की सूचना को सुनकर रो रो कर बुरा हाल कर देगी, अपना और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करके मुझको ही कोसना शुरू कर देगी, जब तुमको इतना ही धर्म ध्यान करना था, इतनी ही सत्य की पालना करनी थी, तो तुमने मेरे से विवाह करने की क्यों कोशिश की। अनेक अनेक उल्हाने, अनेक अनेक ताने दिमाग में रख करके सामने आया, लेकिन जब अपनी बात बताई और उस बात को सुनकर के तारा ने जो प्रसन्नता प्रकट की, इतना आनंद उसको अयोध्यापति
महाराजा हरिश्चंद्र की रानी बनने का नहीं आया था आनंद, जितना आनंद अब अनुभव कर रही है। एक दानवीर, सर्वस्व का त्यागी, राज्य पाट को देने वाले ऐसे दानवीर पति की पत्नी होने का जो उसे गर्वानुभूति हुई और जो उसने आनंद प्रकट किया, राजा हरिश्चंद्र का दिमाग चकरा गया कि महिलाओं के बारे में मेरे अंदर क्या ख्याल रहते थे। लेकिन तारा ने तो उन सभी ख्यालों को झूठा साबित किया। मैं सोचता था दुखों से जल्दी घबराती है औरतें, जब इनके स्वार्थ पर कहीं चोट पहुंचती है तो जल्दी कुलबुलाती हैं औरतें, जल्दी भड़कती हैं औरतें। लेकिन क्या सोचा और क्या रूप नजर आया, हृदय कृतज्ञता से भर गया। आज महसूस हुआ उसे एक सन नारी का पति होना कितना सौभाग्य की बात है। और अपनी खुशी इन शब्दों में व्यक्त कर रहा है, सुनिए। तारा तुम हो धन्य सर्वथा, धन्य तुम्हारे मात पिता, मैं भी धन्य मिली जो तुमसी श्रेष्ठ सहचरी धर्म रता, सहानुभूति की मूर्ति मनोहर कितना अविचल मन पाया, मैंने समझा दुख पाओगी किंतु धैर्य दृढ़ दिखलाया, शिक्षा लेंगी तुमसे आगे आने वाली महिलाएं, विकट परिस्थिति में विपत्ति के चरणों पर कैसे जाएं। कहा कि धन्य है तारा, जिन आंखों में अभी डर था अपनी पत्नी की वीरता देखकर उन आंखों में चमक आ गई। और ये चमक लाना ही सामने वाले की सबसे बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। आज उसके मुख से निकला, धन्य है तारा, धन्य है तेरे माता पिता जिसने तेरी जैसी पुत्री को जन्म दिया। मैं सोच सकता हूं कि तेरे मां बाप कितने ऊंचे संस्कार वाले होंगे जिन्होंने ऐसी पुत्री रत्न को जन्म दिया। और आज मैं खुद पर भी इतरा रहा हूं कि तेरी जैसी नारी मेरी धर्म पत्नी है, नहीं तो मैं क्या सोच रहा था कि सुनते ही तुम भड़क जाओगी। डर रहा था, सोच रहा था कि सत्य की पालना में मैंने राजा का धर्म तो निभा दिया, लेकिन कहीं तू पति का धर्म तो तोड़ करके नहीं आ गया। लेकिन तेरी इस हिम्मत बही, तेरी इस प्रसन्नतादायक बातों को सुनकर के मेरे दिल को तसल्ली मिल गई कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने इस धर्म को भी बचा लिया। और आज तुमने जो मुझे सुकून दिया है, जो दिल को तसल्ली दी है, मेरा रोम रोम तारा तेरे लिए एक ही बात कहता है कि आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं जब जब भी तेरे चरित्र को पढ़ा करेंगी तो तेरे चरित्र को पढ़कर के आने वाली महिलाएं शिक्षा लिया करेंगी। ये मेरा रोम रोम बोल रहा है। और ये कहते हुए हरिश्चंद्र की आंखों में खुशी और गौरव के आंसू उमड़ आए। अभी डर के आंसू थे थोड़ी देर पहले, और अब खुशी के आंसू थे। इन आंसुओं में भी क्या अंतर होता है, ये वही महसूस करता है जिनकी आंखों से ये निकलते हैं।
इस प्रशंसा को सुनकर के तारा ने अपने कानों पर उंगली लगाई और एक हाथ उठाया, अपने पति के होठों पर लगाया और कहा, बस करो बस करो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए, बस इतना मत कहो। इसमें क्या है धन्यवाद की बात, प्राणपति बतलाएं, हम महिला कर्तव्य मार्ग से कैसे नाथ पिछड़ जाएं। मैंने तो पत्नी होने का अपना धर्म निभाया है, जो कुछ भी कर सकी प्रभु ये सभी तुम्हारी माया है। मेरे मन में आप बड़े हैं राज्य चीज क्या बेचारा, पतिवरता पतिहित ठुकराती स्वर्गों का सब सुख सारा। राज्य दान का मुझको दुख क्यों होता, मैं अर्धांगनी हूँ, दान धर्म के अर्ध भाग की न्याय सिद्ध अधिकारिणी हूँ। कहा कि पहले ये धन्यवाद देना बंद कर दीजिए, मैंने कोई बड़ी बात नहीं करी है जिसके ऊपर आप इतना मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैंने तो केवल अपने पत्नी धर्म का पालन किया है और कुछ नहीं किया है। जो पत्नी को करना चाहिए वो उस कर्तव्य की पालना की है और कुछ भी नहीं किया है। और जो भी तुम समझते हो मैंने कुछ किया है, उस करने के पीछे की कोई शक्ति है तो वो आप हो, आपकी वजह से किया है मैंने जो कुछ भी किया है। और जिस राज्य की आप बात कर रहे हो, ये राज्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए आप हो, आप मेरी जिंदगी, आप मेरा राज्य, आप मेरा स्वर्ग, आप मेरी जन्नत, आप जो कुछ भी हो आप हो, ये राज्य कुछ नहीं है। मैंने राज्य के साथ शादी नहीं की, मैंने शादी आपके साथ की है। और सुनो जी, बड़ी गहरी बात कही, ये बातें कहना वास्तव में वही कह सकता जो पॉजिटिव होता है। कहा कि और सुनो जी, राज्य का दान दे करके अकेले मत इतराना, हाँ राज्य के दान का आधा भाग मुझे भी मिलने वाला है, क्योंकि मैं भी तो आपकी अर्धांगनी हूं, आधा फल तो हमको भी मिलेगा, जो आपने करिश्मा किया है उसका लाभ तो मुझे भी मिलेगा, मैं भी उस फल की अधिकारिणी हूं क्योंकि मैं आपकी अर्धांगनी हूं। यह कॉन्फिडेंस और ये पॉजिटिविटी। और चेहरा तारा का खुशी के मारे इतना लाल हो गया, उसकी आंखों में इतनी चमक आ गई, उस चमक का लाभ उठाते हुए हरिश्चंद्र एक बात कहता है, अच्छा प्यारी मुझे यहां से कल प्रभात ही जाना है, एक मास के अंदर ऋषि के ऋण का भार चुकाना है, अगर मास में ऋण न दे सका सत्य भ्रष्ट हो जाऊंगा, कौशिक ऋषि के क्रोधानल में वंश सहित जल जाऊंगा, अस्तु तुम्हारे लिए आज ही मैं प्रबंध कर देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे पूज्य पिता के घर पर पहुंचा देता हूँ। कहा केवल आज के ही दिन और आज की ही रात बिताने की इजाजत मिली है मुझको नए सम्राट विश्वामित्र की ओर से, और कल दिन निकलते ही मुझे जाना है, और अभी
मेरे पास कुछ घंटे बाकी हैं और एक महीने का समय है मेरे ऊपर, क्योंकि जो दक्षिणा का ऋण देना है उसकी मोहलत मुझको केवल 30 दिनों की मिली है। 30 दिनों के भीतर भीतर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा का ऋण चुकाना है, दक्षिणा देनी है। इसलिए मैं आपको आपके पिता के घर पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। ये शब्द सुनते ही तारा के मस्तक पर सहसा, ये शब्द सुनते ही अचानक उसके माथे पर इतना जोर का मतलब बोझ लगा, क्या बोला इन्होंने, तारा के मस्तक पर सहसा अंबर मंडल टूट पड़ा, सत सत वज्रपात सा भीषण हुआ हृदय में दुख बड़ा। अभी चेहरे पर जो लाली थी, आंखों में जो अभी चमक थी, राजा की बात सुनकर चेहरा फीका पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया हो, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। एक बार तो वो सहम गई, स्तब्ध रह गई। राजा हरिश्चंद्र को देखती की देखती रह गई, शून्य में चली गई। फिर कुछ क्षण रुकी और क्योंकि बोला ही वो था जिसकी वजह से तारा की बोलती बंद हो गई, लेकिन यहां पर अबोला रहना नहीं, दिल का दर्द जो हुआ है उसे बोलना जरूरी है। शायद इन्होंने मुझे आम महिला समझ लिया होगा, शायद ये मुझे जान नहीं पाए हैं, अपनी दिल की बात कहनी जरूरी है। तो कहने लगे, कुछ क्षण रहने स्तब्ध कहा पति देव आप क्या कहते हैं, आत्मा के जाने के पीछे प्राण कहाँ कब रहते हैं, पित्रालय में छोड़ हमें क्या सने सूत्र को तोड़ेंगे, क्या सचमुच ही चिरदासी से आज निजानन मोड़ेंगे, तन से छाया और चंद्र से स्वच्छ चंद्रिका दूर नहीं हो सकती, पत्नी विपत्ति से दूर त्रिकाल कदापि नहीं। कहा कि पहले तो ये बोलिए, ये कहिए कि आप बोल क्या रहे हो, आप ये सोचिए कि कह क्या रहे हो आप। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आत्मा के जाने के बाद क्या किसी के शरीर में प्राण रह जाते हैं? क्या काया के बिना छाया रहती है? क्योंकि जहां शरीर है, जहां काया है, वहीं काया की छाया है, काया के साथ ही छाया चलती है, समझ गए, काया के साथ छाया चलती है और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है, सूर्य के साथ प्रकाश रहता है, ये कभी अलग अलग नहीं होते। जहां सूर्य है वहां प्रकाश है, जहां चंद्रमा है वहां चांदनी है, जहां काया है वहां छाया है, जहां जान है जहां प्राण है वहीं, जहां आत्मा है वहीं आदमी जिंदा रहता है। कहा कि आपने कह कैसे दिया? जिस पित्रालय की बात कह रहे हो, जिस मायके की आप बात कर रहे हो, मेरा वो नहीं है, क्योंकि मैं वहां की होती तो मुझे वो वहीं रखते। हर माँ बाप अपनी लड़की के जवान होते ही उसके लिए दूसरा घर तलाशना शुरू कर देते हैं। एक बात पक्की है कि मैं वहां की थी, हूं नहीं। जैसे ही तुम्हारे साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ, मैं मायके के लिए मर चुकी हूं। मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरा सब कुछ आप हो मेरे।
केवल सुख में साथ रहने के लिए ही शादी नहीं हुई थी तुम्हारे साथ मेरी। आप कह क्या रहे हो? शायद तुमने मुझे समझा ही नहीं। और ये कहकर के जब रोने लगी तब हरिश्चंद्र ने कहा कि तू मुझे गलत मत समझ, क्योंकि मुझे यहां नहीं रहना, मुझे जंगलों में भी भटकना पड़ेगा, मुझे कहीं और भी जाना पड़ेगा, मैं काम भी करूंगा, अगर मुझे काम नहीं मिला और तुम मेरे सामने भूखी मरी तो क्या वो दुख में बर्दाश्त कर सकूंगा? मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं खिला पाया, क्या उस दर्द को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा? तुम समझने की कोशिश करो तारा, मैं तुझे अपने आप से दूर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त केवल मैं अपने को संभाल सकता हूं, मैं तुम्हें भूखा देख नहीं सकता, मैं बच्चे को भूखा मरते देख नहीं सकता, मैं मजदूरी करूंगा। तू भी मजदूरी करेगी क्या? मैं खुद मजदूर बन सकता हूं, लेकिन तेरे से मजदूरी कराऊंगा क्या मैं? समझा करो। कहा, मैं आपकी ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूं। मैं नारी का सम्मान खतरे में नहीं डाल सकती। क्या महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूं कि जब पति सुख में हो तो उसके साथ रहो, और जब पति के ऊपर मुसीबत आए तो उसे छोड़कर के अपने घर चले जाओ? यह संदेश दिलाना चाहते हो आप मेरे द्वारा महिलाओं को? हम पति और पत्नी हैं, सुख और दुख के समान साझीदार हैं। और सुनिए, आपके साथ रहूंगी तो वो दुख भी मुझे सुख लगेगा, और तुम्हारे बिना रहूंगी वो सुख भी मुझे दुख लगेगा। मुझे दुख में मत गिराओ, मैं आपका वियोग और आपको दुख में रखकर अपने लिए महलों को चुनूं ये पाप मैं नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना जब तारा ने कहा तो रोहित ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और हाथ हिला करके कहा, पिताजी हम भी आपके साथ चलेंगे। जब ये दृश्य देखा अपनी आंखों के सामने कि ये नहीं मानेंगे, तब हरिश्चंद्र ने कहा कि चलो हम साथ चलते हैं। जैसी इजाजत मिली साथ चलने की, तारा की आंखें फिर खुशी से डबडबा गई और वो रोहित उछलने लगा कि हम पिताजी के साथ जाएंगे। जब उनकी ये खुशी देखी, हरिश्चंद्र को कहा कि इसको विशुद्ध प्रेम कहते हैं, और इसी प्रेम की वजह से गृहस्थ को भी धर्म कहा है, गृहस्थ को भी धर्म कहा है। जब कोई एक दूसरे के लिए इतना त्याग करने को तैयार हो जाता है तभी गृहस्थ धर्म बनता है। जब कोई दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को निछावर करने का संकल्प लेता है तब जाकर के गृहस्थ धर्म बनता है। जहां एक दूसरे के साथ छीना झपटी की जाती है, जहां स्वार्थ और मतलब परस्ती से रिश्ता निभाया जाता है, वो धर्म नहीं, तब जाकर के गृहस्थ पाप बनता है। जब एक दूसरे के लिए, क्योंकि देखिए
एक जगह धर्म और एक जगह पाप, दोनों को देखना आप। इतिहास की दो घटनाएं हैं जहां एक दूसरे का हक छीना जाता है या छीने जाने की योजना बनाई जाती है, वहां पर महाभारत तैयार होता है। और जहां एक दूसरे के लिए त्याग किया जाता है, एक दूसरे के लिए हम क्या निछावर कर दें, जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो वहां रामायण का निर्माण होता है। ये देखिए, जहां स्वार्थ है वहां महाभारत होता है, और जहां एक दूसरे के लिए कुर्बान करने की भावना रहती है वहां रामायण का निर्माण होता है। रामायण भी हमारे जीवन में है, महाभारत भी हमारे जीवन में है। आज भी इस कलयुग के अंदर भी रामायण हो सकती है, और आज भी स्वार्थ के अधीन होकर के महाभारत का निर्माण भी हो सकता है। सच कहता हूं, जब हमारे जीवन में रामायण का निर्माण होता है तो वही गृहस्थ धर्म बन जाता है, और जब स्वार्थ के वशीभूत होकर के दूसरों की खुशियां हमें खटकने लगती है और उनको हम रोने रोता हुआ देखने के भाव पैदा होते हैं, तब वहां पर महाभारत का निर्माण होता है। ये स्वयं निर्णय कीजिएगा कि हमने गृहस्थ में रहना है या रामायण राम बन के रहना है, या धृतराष्ट्र या दुर्योधन बनकर के रहना है। ये निर्णय तो आप सबका है, ये स्वयं सोचिएगा, क्योंकि इजाजत मिल गई है और कल दृश्य आएगा वो परस्थान का, बड़ा मार्मिक दृश्य है, देखना। कल एक नजारा आपके सामने आएगा कि महल से तीन प्राणी किस वेशभूषा में उतरे और सामने पूरी अयोध्या की जनता महल के आगे खड़ी है, और क्या वो दृश्य है। और जाते जाते भी राजा हरिश्चंद्र जनता को क्या अंतिम संदेश देकर के गया है, ये सुनने वाला है। हो सके तो कल फिर आना, अच्छा लगेगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराओ गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाओ। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।